और आज हमने लाहौर के जितने भी हमारे सारे फेलो क्रिएटर्स हैं, स्पेशली पॉडकास्टर्स, उन सबका हमने यहाँ पे के मीटअप रखा है, उन सबका मीट एंड ग्रीट रखा है। और ऑलमोस्ट बड़ी खुशी की बात है, तकरीबन सारे आ रहे हैं। लाहौर के जितने भी काबिल जिक्र पॉडकास्टर्स, स्पेसिफिकली जो पॉडकास्टर्स हैं, उनको बुलाया है, तो वो नाम आपके जहन में आ गए होंगे। तो अभी कुछ देर में इंशाल्लाह वो आएंगे। आज कितने गर्मी है शोएब लोग और सुभान जो है वो इंशाल्लाह आपकी बातचीत करवाएंगे। सबसे फिर गपशप पहले नरेंद्र जो भी आएंगे। हम सब दोस्त इकट्ठे हुए हैं आपके बहुत ही प्यारे दोस्त अहमद फौजान साहब के घर, और ये मेरा ख्याल है हमारा पहला मीटअप है जिसमें इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स एक जगह पे इकट्ठे हैं। सारे पॉडकास्टर्स और जो इंडस्ट्री के बड़े लोग हैं, बड़े नाम हैं, सब यहाँ पे इकट्ठे हुए। बड़ा मजा है, बड़ी बेहतरीन डिस्कशन रही है। अक्सर लोगों ने एक दूसरे से माफी भी मांगी है, कोई किसी से काफी अर्से से रबते में नहीं था, तो जरा माफी तलाफी भी हो गई है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं कैसर अहमद राजा, और आज हम मेहमान हैं जनाब अहमद फौजान साहब के। उन्होंने पॉडकास्टर्स की आज एक अफ्तार का अहतमाम किया है। जो इस दावत का जो मकसद है वो ये है कि गजा के लोगों को भी इस ईद की खुशी में याद रखा जाए। बहुत अच्छा लगा आज का इफ्तार, इतने शानदार लोगों को अहमद फौजान ने बुलाया, पॉडकास्टर्स को, मीडिया के लोगों को, शोबिज़ के लोगों को। सबसे पहले मैं फौजान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उसने सबको इकट्ठे किया और बड़ा अच्छा एहतमाम किया सबके लिए। खाना थोड़ा कमज़ोर था, मटन नहीं था और मीठे में भी कोई चीज़ नहीं थी, फिर उसने ये पहना दिया और वो कह रहा है कि मुल्क के लिए और उम्मत के लिए आपको कुछ करना चाहिए, खाली पेट तो हो नहीं सकता। तो अगर इसके बाद को है मटन तो फिर उम्मत के लिए ये जो बंदा है ये देख रहे हैं आप, ये यार कभी सीरियस। अच्छा जी, यहाँ पर अफ्तारी जो है वो हो चुकी है सर, इस वक्त मसरूफ़ है अपने अहबाब के साथ, कुछ अहबाब ये खड़े कुछ अंदर बैठे हैं, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अफ्तारी हुई है माशाल्लाह से। और अब कल हमने जनाब सबसे रिक्वेस्ट की थी कि ईद आउटफिट का हिस्सा बनाए इस मफलर को, और आज मस्जिद में हमने भी थोड़े पहले नमाज़ पढ़ी है, बहुत सारे लोगों ने माशाल्लाह ये पहना हुआ था और एक खामोश मैसेज, साइलेंट मैसेज जा रहा था बगैर कुछ कहे, एंड दैट्स द लीस्ट वी कैन डू। और ऑब्वियसली सबको इस कॉज से वाबस्तगी भी है। यार मस्जिद में काफी लोगों ने ये पहना हुआ था, ये हाँ माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त था, लग रहा था आज का ड्रेस कोड है इस तरह के, काफी ज्यादा लोगों ने पहना हुआ था, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा पॉजिटिव और बगैर कुछ कहे एक बड़ा मैसेज भी गया, प्रोटेस्ट भी नहीं मतलब एक बड़े मैसेज गया, डेमोंस्ट्रेशन गया।